नमस्कार मित्रों, टर्की में आए भूकंप के बारे में आपने सुना है, न्यूज़ चैनल में आपने पढ़ा है। भूकंप यह एक नैसर्गिक आपत्ति है जो कि ज़्यादातर वोल्केनिक इरप्शन यानी भूगर्भ से जब लावा बाहर आती है तो उस झटके से आता है, या फिर समंदर के नीचे जब कोई भूकंप आता है उसका कारण होता है ज्वालामुखी फटने से आता है। और इसके उपरीत और एक कारण होता है, वो है हमारे भूगर्भ की रचना। ज़मीन के अंदर आपने ज्योग्राफी में देखा है कि ज़मीन हमारी जो बनी है, पृथ्वी जो हमारी बनी है, ये अलग अलग प्लेट्स थी। ये प्लेट्स एक दूसरे से नज़दीक आकर हमारी पृथ्वी बनी। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो एक तपता हुआ गोला था वो बाद में ठंडा होकर ज़मीन बनी, और इस ज़मीन के बनते बनते अलग अलग प्लेट्स का निर्माण हुआ। ये प्लेट्स एक दूसरे की ओर खिसकती है, और जिस प्रकार से ये एक दूसरे की ओर खिसकती है इनका टेंशन बढ़ जाता है। ये एक दूसरे को ऊपर ढकेलना शुरू कर देती है, और इन सब हलचलों की वजह से भूकंप आता है। भूकंप वैसे तो एक नैसर्गिक आपदा है और इसके बारे में पहले ही सूचना देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल नई नई तकनीकों के कारण हमें वैज्ञानिक इसकी जानकारी दे पा रहे हैं। भूकंप आने से बहुत सी हानि होती है। किस प्रकार की हानि होती है, ये हाल ही में हमने जब 4 फरवरी को टर्की में भूकंप आया तो हमने देखा कि वहाँ किस प्रकार से लोगों की जाने गई, और बिल्डिंग जो बहुमंजिला बिल्डिंग थी वो ढल गई। तो ये इन आपत्तियों से बचने के लिए सरकार हमें बार बार गाइडलाइन देती रहती है, तो लोगों को इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए ताकि जीवित हानि से बचा जा सकता है। यह नैसर्गिक आपदाएं ऐसी होती है जिन्हें हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा होने वाली हानि को हम कम कर सकते हैं। इसीलिए हमें जब कभी भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो हमें उन सूचनाओं को ध्यान से सुनना चाहिए, उसकी ओर गौर करना चाहिए, और जिस प्रकार की गाइडलाइंस उन्होंने दी है उसे फॉलो करना चाहिए ताकि हम जीवित हानि और वित्त हानि कम से कम हो पाए, या वित्त हानि जीवित हानि को रोक सकें। यह टर्की में जो कि भूकंप आया था उसकी वजह से हज़ारों लोगों की जानें गईं। आप वीडियोस में, फोटोज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ बहुत से बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं हम देख सकते हैं। इस प्रकार की हानि किसी के साथ ना हो, हम इस दुख में टर्की के लोगों के साथ हैं। इसीलिए भारत ने टर्की जैसे देश को हेल्प की है, और अपनी ओर से हर प्रकार की सहायता देने के लिए भारत तत्पर है। इस दुख की घड़ी में हम टर्की के लोगों के साथ हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जितना हो सके उतना उनका दुख दर्द कम हो जाए और इस हानि से वो जल्द से जल्द उभर कर सामने आएं।